अस्सलाम वालेकुम क्लास, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू वेरी मच फरदा, सब लोग मुझे सुन सकते हैं? कुछ ही देर में आपका लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा और फिर हम लोग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हम लोगों ने, सबको आवाज़ आ रही है? सब लोगों को आवाज़ आ रही है? हाँ जी क्लास, सबको आवाज़ आ रही है मुझे ये बताएं। एवरी पीपल कैन हेयर मी, ओके दैट्स नाइस। अच्छा, हम लोग ये कह रहे थे कि हम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ी, लीडरशिप पढ़ी, हमने इसकी इम्प्लीकेशन देखनी है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, कि नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर इसकी
क्या इम्प्लीकेशन है। तो यही बात उसने यहाँ पे दी है कि मैनेजमेंट फंक्शंस एंड देयर एप्लीकेशन टू नर्सिंग, के नर्सिंग के अंदर जो है तो उसकी एप्लीकेशन क्या है हमने ये देखनी है। मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्टिव है, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन मैनेजमेंट फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, डिस्क्राइब द क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासिकल मतलब कि जो एक पुरानी रिवायत चलती आ रही है कि मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी प्लानिंग आ जाती है इसमें, आपकी ऑर्गेनाइजिंग आ जाती है, आपकी डायरेक्टिंग आ जाती है, कंट्रोलिंग आ जाती है, यानी कि ये चीज़ें जो है वो सारी साथ साथ आ जाती है। प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, तो ये वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपने इसके अंदर फुलफिल करने हैं। कहते कंपेयर मेंट्स पर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैनेजमेंट रूल्स विद हिज कंटेम्प्रेरी मॉडल। ठीक है, आपने क्या करना होता है, मेंटर्स जो है वो बिहेवियर डिस्क्रिप्शन है मैनेजमेंट रोल की जो कि आप कंपेयर करते हो उन मॉडल्स के साथ। उसमें इंटरपर्सनल रोल्स आ जाते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स आ जाते हैं एंड डिसीजनल रोल्स आ जाते हैं। इंटरपर्सनल रोल्स कौन से रोल्स होंगे जो कि आपके और दूसरे पर्सन के दरमियान में होंगे, इंफॉर्मेशनल रोल कौन से होंगे जो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक से दूसरे को जो जाती है। ठीक है, और डिसीजनल रोल कौन से होंगे जो आप एक एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप जो भी कोई डिसीजन करते हो और उसको आगे बिहेव करवाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बेसिकली, मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट हम बहुत जिक्र करते हैं मैनेजमेंट, तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक प्रोसेस यूज़ करते हैं बाय एंगेजिंग इन द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें प्लानिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, लीडिंग आ जाता है, कंट्रोलिंग आ जाता है, ये चीज़ें सारी की सारी साथ साथ आ जाती हैं। अब प्लानिंग क्या है, मतलब आप किसी चीज़ की, मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो फॉरेन मूव करना है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ क्वेश्चन है कि क्यों मूव करना चाहते हो, कैसे मूव करना चाहते हो, बाहर मूव करना चाहते हो तो कौन से कंट्री में करना चाहते हो। ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपकी प्लानिंग का पार्ट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम, यानी कि गोल्स के लिए प्रोसेस, गोल्स के लिए पूरी प्लानिंग, गोल को प्रोसेस में डालना और उसको अचीव करने के लिए अपनी बेस्ट कोशिश करना, वो किस में आ जाता है, वो प्लानिंग में आ जाता है। ठीक है, और प्लानिंग रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हुम एंड हाउ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फॉरेन मूव करने की। प्लानिंग जो होती है वो बेसिकली फोर स्टेजेस के अंदर हो जाती है। मिसाल के तौर पर इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स, हम क्या करते हैं, हम इस्टेब्लिश करते हैं ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को, evaluate the present situation and predict future trends and events. हम evaluate करते हैं present situation को और predict करते हैं future trends and events को। फिर हम formulate करते हैं a planning statement, यानी कि means convert plan into action statement, action statement में हम बदलते हैं। उसके बाद organizational level plan based on philosophy and goals of organization. philosophy क्या होती है, statement of values, vision and mission. ठीक है, फिलासफी यही होती है ना कि किसी भी पर्सन की विजन क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है, उसका मिशन क्या है। और वैल्यूज़ क्या होती है, बिलीव्स और एटीट्यूड अबाउट पीपल, आइडियाज, ऑब्जेक्ट और एक्शन। ठीक है, कि कोई भी पर्सन जो है उसका एक खास पर्टिकुलर जो काम है उसके मतलब उसका क्या जहन है, क्या आइडिया रखता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो है वो कि खास फिनोमेना के मतलब एक ख़ास किस्म की सोच रखते हैं, अकॉर्डिंग टू योर एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू बिलीव। ठीक है, जिस किस्म के कल्चर में उनकी ग्रोथ हुई होती है, तो जिस किस्म के कह लें कि माहौल में वो ग्रोन अप हुए होते हैं, या जो उनके फोरफादर एंसेस्टर्स उनको टीचिंग मिली होती है, वो उनकी बिलीव रखते हैं। विजन में आ जाता है इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ठीक है, उसके बाद आप विजन में इंस्पायर करते हो और मोटिवेट करते हो एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, मिशन में आप रीज़न आ जाती है फॉर एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग के लिए आपके पास क्या, आपने उसको एग्जिस्ट करना है, उसके लिए आपके पास जो है वो एक खास रीज़न आ जाती है। आगे आ जाता है गोल्स, व्हाट आउटकम इज टू बी अचीव, कौन से आउटकम हैं जो कि अचीव करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल यूनिट, जो कि स्पेसिफिक हो जाते हैं इंडिविजुअल यूनिट के लिए। उसके बाद स्ट्रेटजीज आ जाती है, यानी फॉलो ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफाई व्हाट एक्शन विल बी टेकन। आप क्या करते हो, फॉलो करते हो ऑब्जेक्टिव्स को और आप देखते हो कि कौन कौन से एक्शन है
जो कि आप ले सकते हो। उसके बाद विजन टू बी ए लीडिंग हेल्थ केयर रिसोर्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर एंड रिसर्च बेस्ड एजुकेशन फॉर ऑल लीडिंग टू इंटीग्रेटेड सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप क्वालिटी केयर लेते हो, ठीक है, रिसर्च बेस्ड लेते हो, आप अपनी रिसर्च अच्छी करते हो कि आप उस इदारे के अंदर जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बनाओ, वहाँ पे रिसर्च की जाए, डिफरेंट जो लोग उस इदारे के अंदर काम कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्कर, एज ए ऑफिसर, वो अपनी अपनी रिसर्च कर लें। ठीक है, और सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर जो है वो इनका एक रोल अदा करें। A third sector, not-for-profit, non-government organization working in the field of the social development, healthier education and research and community uplift आ जाती है। ठीक है, मिशन में आपका यही काम होता है कि आप non-government organization NGO के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी जो working field होती है social development, ठीक है, care education, research and community uplift। ठीक है, आप अपनी उस हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद एजुकेशन, रिसर्च और कम्युनिटी की टोटल ओवरऑल अपलिफ्टिंग के लिए जो भी आप वर्क करते हो, ठीक है, उसको चाहे वो नॉन ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चैरिटी बेस्ड हो या कुछ भी हो, आप उसको करने के लिए जो भी लाए हैं मलिक तैयार करते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। आगे आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड अरेंजिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज सो दैट प्लान कैन बी कैरीड आउट सक्सेसफुली। यानी कि ये आप क्या करते हो, इसमें आप नॉन ह्यूमन और ह्यूमन एफर्ट्स दोनों आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने प्लान कर लिया कि मैंने ये काम करना है या मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से चलाना है। अब अगर आप उस प्लान किए हुए अपने डिसीजन को जब आप ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो, ठीक है, कि मैंने इन बंदों को भर्ती करना है, इसको मैंने चार्जलेस लेना है, इसको मैंने नर्स मैनेजर लेना है, इसको मैंने टीम लीडर लेना है, इसको मैंने जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेना है, इसको मैंने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेना है, ठीक है, और मेरी हॉस्पिटल में जो है वो 150 बेड्स होने चाहिए, दो मेरे पास वेंटिलेटर होने चाहिए, ठीक है, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वो प्रोसेस एलोकेटिंग और अरेंजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। ठीक है, या दूसरे लफ्ज में वो कहता है प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी डन, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइडिंग द लेबर, डेवलपिंग द चेन ऑफ कमांड एंड असाइनिंग अथॉरिटी। वही बात आ गई कि आप क्या करते हो, डिफरेंट लोगों को टास्क दे देते हो, ठीक है, आप लेबर को डिवाइड कर देते हो। अब ये तो नहीं कि स्वीपर का काम जो है वो टीम लीडर करेगा, ये स्वीपर का काम जो है वो आपका नर्स मैनेजर करेगा, नहीं, मतलब वार्ड बॉयज हैं, आया है, आपा जी हैं, क्लीनर हैं, ठीक है, और या फिर टेक्नीशियंस हैं, परफ्यूमिस्ट हैं, उन सब ने अपने अपने काम करने हैं। ठीक है, उन सब की पास अपनी अपनी चेन है कमांड की, जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली हुई होती है और आपको एक प्रॉपर स्पेसिफिक अथॉरिटी जो होती है वो साइन की जाती है। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू एंगेज इन वर्क बिहेवियर नेसेसिटी टू रीच ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, और आपके जो प्रोसेस होता है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का अपने बिहेवियर से कि वो अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और उसको डेड टाइमलाइन के अंदर जो है वो जमा करवाएं, वो होता है लीडिंग, मतलब लोग आपको जो होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब आपकी आप यू आर अ रोल मॉडल फॉर देम। ठीक है, आपने अपने लिए कुछ ऐसी मिसाल उनके लिए कायम करनी होती है कि वो आप लोगों के फॉलोअर्स बन जाए। ठीक है, और कुछ ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट अपने काम अच्छा करके दिखाना होता है। प्रोसेस ऑफ द गेटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क देन इंपॉर्टेंट स्टाइल एंड टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे पावर है, अथॉरिटी है, लीडरशिप स्टाइल्स हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटीज हैं, मोटिवेशनल टेक्निक्स हैं और डेलीगेशन स्किल्स हैं। ठीक है, ये आ जाती है। आगे आ जाता है कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज सो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म्स टू स्टैंडर्ड रूल्स। अब अगर कंट्रोलिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज जो होती हैं उनको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर लेके आते हैं और उनको कंफर्म करते हैं स्टैंडर्ड गोल्स के साथ, या फिर हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को विद प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स, यानी कि जो एक्चुअली पहले से हमारे पास कोई चीज़ मौजूद होती है, पहले से हमने किसी प्रोजेक्ट से रिजल्ट्स लिए होते हैं उसको रन करने के बाद, वो होता है आपका एक्चुअल रिजल्ट। और प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स वो होते हैं जो कि आपने जिस पे आपने खुद अभी काम कर रहे हो, ठीक है, जिसको आपने कंपैरिजन के लिए किसी दूसरे से कंपेयर करवाना है। कंट्रोलिंग इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, आप स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को देखते हो, डिटर्मिनिंग द मींस टू बी यूज्ड इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है,
आप मेयरिंग परफॉर्मेंस को देखते हो, एवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, आप एवेल्यूएट करते हो परफॉर्मेंस को और फीडबैक देते हो। इसको देखें जरा गौर से, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग है, ये एक पूरा का पूरा साइकिल, प्लानिंग कंट्रोलिंग लीडिंग ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में क्या है, सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, एलोकेटिंग एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज। लीडिंग में क्या है, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू वर्क टुवर्ड्स गोल, ठीक है, गोल्स को अचीव करना। और कंट्रोलिंग क्या है, रेगुलेटिंग एक्टिविटीज टू रीच गोल्स। गोल तक पहुंचने के लिए आपने वो एक्टिविटीज परफॉर्म करवाना। आगे आ जाते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस, अडेप्टेड फ्रॉम कैरल एंड गाइलन 1987। मिसाल के तौर पे वर्क एजेंडा, वर्क मेथड एंड रोल, मैनेजमेंट फंक्शन में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद नॉलेज बेस एंड की मैनेजमेंट स्किल्स है, जैसे परफॉर्मेंस गोल अचीवमेंट आ जाती है आपके पास, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आगे है मिंट्सबर्ग मैनेजेरियल रोल्स एंड फंक्शन, क्या क्या मिंट्सबर्ग मैनेजेरियल रोल एंड फंक्शन हो सकते हैं। कहते हैं मिंट्सबर्ग डिफाइनिंग फॉलोइंग थ्री मेन रोल्स एंड फंक्शन इन बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्स मैनेजर। इंटरपर्सनल रोल्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशनल रोल्स हो सकते हैं, डिसीजनल रोल हो सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, ये आपने याद करनी है। यूएचएस में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है, वैसे भी आ जाता है, क्योंकि किस नाम से आता है, मिंट्सबर्ग मैनेजेरियल रोल्स, ठीक है, तो वे मिंट्सबर्ग के मैनेजेरियल रोल मैनेजमेंट के अंदर आपको आने चाहिए। कोई क्वेश्चन आ जाए, मिड टर्म के अंदर आ जाए, फाइनल में आ जाए, ये किसके पेपर में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए उसमें इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल आ जाते हैं। इंटरपर्सनल रोल देखें कौन कौन से होते हैं, फिगर हेड रोल होता है, लीडर होता है और लाइजोन होता है, आपस का रोल इंटरपर्सनल रोल। एक्टिविटी क्या होती है, परफॉर्म सेरिमोनियल सोशल एंड लीगल ड्यूटीज, ठीक है, मतलब आपने सोशल और लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पे वेलकमिंग न्यू एम्प्लॉयज एट ओरिएंटेशन और अटेंडिंग सोशल इवेंट्स, ठीक है, सोशल इवेंट्स को आपने अटेंड करना और न्यू जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है उसको वेलकम कहना, उसको ओरिएंटेशन में लेकर आना, ठीक है, ये फिगर हेड होता है। लीडर क्या होता है, डिफाइन वर्क इन्वायरमेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सबॉर्डिनेट वर्क, ठीक है, मतलब कि वर्क जो भी आपने करवाना है नीचे वाले एम्प्लॉयज से उसको डिफाइन कौन करेगा, लीडर करेगा और सबॉर्डिनेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। डिटरमिन द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड सी डेट दे आर अकॉम्प्लिश एफिशिएंटली, मतलब जो हम ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को देखने वाला एक करता धरता जो सबसे बड़ा मौजूद है, ठीक है, उसने सारी एक्टिविटीज़ को देखना है कि वो टाइमली अकॉम्प्लिश हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद है लाइजोन, एग्जाम्पल आउटसाइड इंफॉर्मेशन सोर्स एंड नेटवर्क। इसके अंदर आ जाता है जो आपकी आउटसाइड इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उसको एक्सपेंड करवाना। मिसाल के तौर पे एग्जांपल में आ जाता है नेशनल कॉन्फ्रेंसेज आ जाती हैं, लोकल कोलेजियन आ जाती हैं यानी एसोसिएशन एंड प्रोफेशनल मीटिंग्स आ जाती हैं, और आपकी प्रोफेशनल मीटिंग्स आ जाती हैं इसके अंदर। उसके बाद आगे आ जाता है आपका इंफॉर्मेशनल रोल्स। इंफॉर्मेशनल रोल्स में आपके पास मॉनिटर आ जाता है, मॉनिटर में यानी कि इंटरनली सीक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि चुप किए हुए चीज़ों को नोट करना। मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल मीटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू मैनेजर अबाउट नीड एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल मीटिंग मतलब जैसे कि दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हैं या एम्प्लॉयज आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को आगे फर्दर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिसेमिनेटर। डिसेमिनेटर जो होता है शेयर इंफॉर्मेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, आप शेयर करते हो इंफॉर्मेशन को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इज अ सोर्स ऑफ पावर, इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास सोर्स ऑफ पावर है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन एम्पावर्स एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। शेयरिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या करती है, एम्पावर्स करती है, एम्प्लॉयज करती है जॉब सेटिस्फेक्शन को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन कौन से होते हैं, जो कि आपके लीडिंग पर्सन होते हैं, जो कि बोलने वाले होते हैं, जैसे शेयर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अटेंडिंग कम्युनिटी मीटिंग्स, जो कम्युनिटी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। ऑफरिंग कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन को ऑफर करते हैं एंड पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपके पास सीरियल रोल। सीरियल रोल में एंटरप्रेन्योर आ जाता है। एंटरप्रेन्योर ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 10 रुपये है तो आप 10 रुपये से कोई भी ऐसा बिजनेस बनाएं कि आप उसे 100 रुपीज़ अर्न करें। यानी कि लोएस्ट रिसोर्सेज या लीस्ट रिसोर्सेज के अंदर जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको एक्सपेंड करके आप उससे मैक्सिमाइज जो है वो मनी अर्न करें, ये एंटरप्रेन्योर आ जाता है। एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी क्या होती है? सीक्स वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सप्लाइज, आप री ऑर्गेनाइज करते हो अपनी सप्लाइज को, स्टाफ रीडिज़ाइन करते हो, एंड क्रिएशन ऑफ न्यू रोल और न्यू रोल की क्रिएशन करते हो। डिस्टर्बेंस हैंडलर के अंदर क्या आ जाता है? रिस्पॉन्ड टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करते हो, रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाफ और सिक, ठीक है, आप अगर कोई सिक है तो उसको आप क्या करते हो, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट देते हो किसी स्टाफ को। कॉल नोजोवोमियल आउटब्रेक और मिसिंग इक्विपमेंट, मिसाल के तौर पे अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, कोई आउटब्रेक आ जाती है, तो आप उसको मैनेज करते हो। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर में मैनेज टाइम एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट, आप टाइम को मैनेज करते हो और कोऑर्डिनेट करते हो अपनी एफर्ट्स को, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल है मैनेजर शेड्यूल देयर ऑन टाइम, डिटरमिन डिवीजन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्क, ठीक है, अथोराइज द टाइमिंग इंप्लीमेंटेड ऑफ द मेजर डिसीजन। यानी कि मेजर डिसीजन की इम्प्लीकेशन के लिए उसने खास रिसोर्सेज और खास टाइमिंग के अंदर उसने एडजस्टमेंट करनी होती है। आगे आ जाते हैं निगोसिएटर, बातचीत करना, ठीक है, टेबल टॉक करना। मेडिकेट रिसोर्सेज एंड डिसीजन विद आउटसाइड फोर्सेज, मतलब बाहर से अच्छे लोगों को, बाहर से चैरिटी फंडेड लोगों को इन्वॉल्व करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज को इन्हेंस करने के लिए कुछ इस किस्म की स्ट्रेटजीज को यूज़ करना। मिसाल के तौर पर रिजॉल्विंग लेबर डिस्प्यूट या क्लैशेस और मेकिंग बिजनेस एक्यूजेशन या अचीवमेंट, ठीक है, मतलब आप लेबर डिस्प्यूट या क्लैशेस को दूर करते हो और बिजनेस एक्यूजेशन को अचीव करने के लिए उसके ऊपर वर्क करते हो। आगे है कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल ऑफ मैनेजेरियल वर्क, जैसे एक्शन लेवल है, पीपल लेवल है, इंफॉर्मेशनल लेवल है, कम्युनिकेटिंग है, एजेंडा फ्रेम है, कंसीविंग शेड्यूलिंग है, ठीक है। कंसीविंग शेड्यूलिंग में आपके पास देखें ये चीज़ किसके गिर घूम रही है, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, एक्शन लेवल यानी पीपल लेवल, इंफॉर्मेशनल लेवल, ठीक है, डूइंग यानी सबसे एंड पे है, एक्शन के बाद जो है वो डूइंग सबसे एंड पे है, ठीक है। और अगर देखें तो मैनेज आउटसाइड द यूनिट, मैनेज इनसाइड द यूनिट, फ्रॉम मैनेजिंग एज ब्लेंडेड केयर, ठीक है, बाय मिंसबर्ग 1994, जर्नल ऑफ नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये मिंसबर्ग के मॉडल से लिया गया है। आगे है कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल ऑफ मैनेजेरियल वर्क। मैनेजेरियल वर्क अकर थ्रू फॉलोइंग 3 लेवल्स रिप्रेजेंटेड बाय 3 concentric सर्कल, जैसे कि अपने पीछे सर्कल में दिखाया, इंफॉर्मेशनल है, पीपल है और एक्शन है। इंफॉर्मेशनल में देखें 2 चीज़ें आ जाती हैं, कम्युनिकेशन और कंट्रोलिंग। कम्युनिकेशन में क्या आता है कि आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, रिसीविंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद अदर्स, रिसीव भी करते हैं और शेयर भी करते हैं इंफॉर्मेशन को दूसरे लोगों के साथ। कंट्रोलिंग में क्या आ जाता है, यूजिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेज द वर्क ऑफ अदर्स, ठीक है, और दूसरे लोगों के साथ आप काम को इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्म भी करते हो और वेव भी करवाते हो। पीपल में लीडिंग और लिंकिंग आ जाता है, लीडिंग में आ जाता है इनकरेज एंड इनेबलिंग ऑफ अदर्स, आप इनकरेज करते हो और इनेबलिंग करते हो, फैसिलिटेट करते हो दूसरे लोगों को। लिंकिंग में क्या आ जाता है, मैनेजर्स एस्टेब्लिश नेटवर्क आउटसाइड द यूनिट इन ऑर्डर टू रिलाई नीड्स एंड एक्सचेंज इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब मैनेजर्स जो होता है वो एक पूरा का पूरा इंटरनल और आउटसाइड और इनसाइड जो है वो पूरा का पूरा एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है और उस नेटवर्क के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, उसको बोलते हैं लिंकिंग, ठीक है। एक्शन होता है डूइंग, यानी कि सुपरवाइजरी एक्शन हो सकता है, डायरेक्टिंग चेंज हो सकती है, हैंडलिंग डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, निगोशिएटिंग एक्सटर्नल एग्रीमेंट के ऊपर निगोशिएशन हो सकती है, एंड दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है।
अभी आप जो है वो देख ले लें, 10 मिनट के बाद जो है वो अपना दूसरा सेशन कंटिन्यू करते हैं। अभी आप 10 मिनट की ब्रेक ले लें प्लीज़। इससे इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ले आती हूँ जनाब, और कुछ हुक्म कोई खिदमत मेरे लाइक Thank you.
Thank you.
क्लास नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है लीडरशिप स्किल्स। जैसे कि हम लोगों ने मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी पढ़ा कि उसके कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है, प्लानिंग। तो इसी तरह से लीडरशिप्स की भी कुछ स्किल्स हैं, ठीक है, जो कि हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि लीडरशिप स्किल्स होती क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज़ क्लियर कर दूँगी, सारे जितने भी लोग हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सुनैना, हूरिया, फातमा, रौलिका, इरम, वरदा, आरफा, ज़रूरी नहीं है कि सबके सब लीडर हों, ठीक है। एक तो ये कि लीडर इनबॉर्न होते हैं, लीडर कभी भी जो होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो इनबॉर्न होते हैं, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज हर बंदे में नहीं होती, और ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इट्स ट्रू कि हर बंदा लीड नहीं कर सकता। और अगर कोई वर्कफोर्स लीडर बन भी जाता है तो वो ड्यूटीज अपनी परफॉर्म नहीं कर सकता अनलेस एंटिल के उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज ना हो। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखें तो कहता है बाय द एंड ऑफ दिस सेशन पार्टिसिपेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा। एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द लीडरशिप, डिस्कस ईच फंक्शन ऑफ द लीडरशिप इन डिटेल। पहले है लीडरशिप स्किल्स, हैविंग आइडेंटिफाइड द मेन फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द लीडरशिप, देयर आर स्किल्स इन द प्रोवाइडिंग दोज फंक्शन इन डिफरेंट situation and managers needs to develop their abilities to bring those skills to be at an increasing level of excellence. Leadership skills are required whether it is for leading, organizing family or nation. यानी कि leadership जो है वो qualities हैं, वो principles हैं, main functions हैं जो कि provide करती हैं एक baseline manager को, ठीक है। baseline से मुराद क्या है, ground capabilities जो कि मैनेजर को दी जाती है ताकि मैनेजर जो है वो अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए उस काम की एक्सीलेंस तक पहुंचे, और सिर्फ एक्सीलेंस तक नहीं पहुंचे बल्कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एक्सीलेंस तक पहुंचे। सो लीडरशिप स्किल्स आर रिक्वायर्ड वेदर इट इज़ फॉर लीडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली और नेशन। आप अपनी फैमिली को चला रहे हो, आप अपनी कौम को चला रहे हो, भले आप किसी हॉस्पिटल को चला रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी को चला रहे हो, ये स्किल्स जो होती हैं वो हर जगह रिक्वायर होती है। लीडरशिप फंक्शंस क्या है, लीडरशिप स्किल्स कंप्राइजेज ऑन 8 फंक्शंस, 8 फंक्शन है इसके। हमें टास्क डिफाइन करना होता है, हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें ब्रीफिंग देनी होती है, इन चीज़ों को समराइज करना होता है, हमें कंट्रोलिंग करनी होती है, एवेल्युएशन करना होता है, मोटिवेटिंग होता है, और उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल। ठीक है, आगे देखें। सबसे पहले है डिफाइनिंग द टास्क। टास्क डिफाइन करना क्या होता है, अ टास्क इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन, ठीक है। पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम्स नीड टू हैव दिस डिस्टिल या कंडेंस इनटू एन ऑब्जेक्टिव। कोई भी टास्क दे दिया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाती है,
टीम को, ठीक है, और उसका काम क्या होता है, उसको कंडेंस करना, यानी उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवाना। क्लियर होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। टेंजिबल का मतलब है द थिंग्स विच कैन बी टच्ड। टाइम लिमिटेड होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, कैपेबल ऑफ एवेल्युएशन होना चाहिए, आप उसको एवेल्युएट कर सकते हो। लीडर एबिलिटीज इन डिफाइनिंग द टास्क एंड कम्युनिकेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, लीडर नीड टू हैव द फॉलोइंग एबिलिटीज। नंबर वन, टू टेल द ग्रुप द ऑब्जेक्टिव लीडर हैज बीन गिवन। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव जो भी लीडर को देने हैं, टू टेल द ग्रुप व्हाट टू डू एंड व्हाई, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। टू ब्रेक डाउन एम्स इनटू ऑब्जेक्टिव्स फॉर अदर ग्रुप। ठीक है, और आप क्या करते हो, दूसरे ग्रुप के लिए आप उन ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन करते हो। एंड टू एग्री द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव पे एग्री करते हो। इसके बाद आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो पर्पस को एंड चेक दैट द एम्स रिलेट टू इट एंड टू ईच अदर। नंबर फोर, टू रीडिफाइन द पर्पस टू जनरलाइज इट एंड क्रिएट मोर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। टू कम्युनिकेट पर्पस टू एम्प्लॉयज। आगे आ जाता है टेस्ट। देर आर फाइव टेस्ट टू अप्लाई टू द डिफाइनिंग ऑफ द टास्क एंड दे आर। नंबर वन, डू लीडर हैज अ क्लियर आइडिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज और हर ग्रुप नाउ एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर मंथ्स विच हैज बीन एग्रीड विद हिज और बॉस। मतलब आपने ये देखना है कि जितने लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, क्या उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता है, जो कि आपने उनको मंथ वाइज दिए हुए हैं, ईयरली वाइज दिए हुए हैं, ठीक है, या आपने उनको एक फॉर्टनाइटली दिए हुए, ठीक है, कुछ महीनों के भी और अगले आने वाले कुछ टाइम के लिए। डू लीडर अंडरस्टैंड द ओवरऑल एम्स एंड पर्पस ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। क्या उसको पता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। ये नहीं कि काम वो हेल्थ के लिए करना चाह रहा, करवाना चाह रहे हैं, और काम वो कर रहा हो किसी और चीज़ के लिए, किसी और नेचर की इंडस्ट्री के लिए। कैन लीडर सेट ऑन ग्रुप्स ऑब्जेक्टिव्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज लार्जर इंटेंशन। लीडर ने तो पूरी हुकूमत को चलाना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, लिहाजा उसका काम है कि उसने हर बंदे के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना है। उसने मिनिस्टर के लिए भी करना है, उसने सेक्रेटरी के लिए भी करना है, ठीक है, उसने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी करना है। इसी तरह से जो एक सीईओ होता है हॉस्पिटल का, उसने नर्सिस के लिए भी करने हैं, पैरामेडिक्स के लिए भी करने हैं, फार्मेसी वालों के लिए भी करने हैं, रेडियोलॉजी वालों के लिए भी करने हैं, ऑन्कोलॉजी वालों के लिए भी करने हैं। विल द टीम नो फॉर इटसेल्फ इफ इट सक्सीडेड और फेल्स, इट गेट्स स्पीडी फीडबैक ऑफ द रिजल्ट। और फिर क्या वो टीम जिससे आप काम लेना चाह रहे हो वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है और उसका फीडबैक आ रहा है। नेक्स्ट वही पार्ट है प्लानिंग, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा है कि प्लानिंग रिक्वायर्स सर्च फॉर अल्टरनेटिव एंड दैट इज बेस्ट डन विद अदर्स इन एन ओपन माइंडेड इनकरेजिंग एंड क्रिएटिव वे। क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये सारा प्लानिंग का पार्ट है। ये प्लानिंग कॉन्टेंट हम बनाया है यूज ऑफ अथॉरिटी बाय लीडर, कि जब यहाँ लीडर की अथॉरिटी होती है कि वो अथॉरिटी को यूज़ कर सकता है। नंबर वन, एरिया ऑफ फ्रीडम फॉर टीम मेंबर। मतलब ये वो एरिया है जहाँ के टीम मेंबर को आज़ादी होती है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं। नंबर वन, लीडर मेक्स ए प्लान एंड अनाउंस इट। नंबर टू, लीडर सेल्स ऑन प्लान। नंबर थ्री, लीडर प्रेजेंट आइडिया एंड इनवाइट्स क्वेश्चन। यहाँ भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो। लीडर प्रेजेंट टेंटेटिव प्लान सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, टेंटेटिवली जो भी चीज़ें आती हैं टीम मेंबर उसके अंदर अपना एक रोल दे सकते हैं, अपनी एक सजेशन दे सकते हैं। लीडर प्रेजेंट्स प्रॉब्लम्स। लीडर प्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम्स को, गेट सजेशन एंड मेक्स अ प्लान। उसके बाद लीडर डिफाइन करते हैं लिमिट्स को, आस्क टीम टू मेक अ प्लान। आगे आ जाती है ब्रीफिंग। कहता है ब्रीफिंग और इंस्ट्रक्टिंग ए टीम इज अ बेसिक लीडरशिप फंक्शन कंडक्टेड यूजुअली इन अ फेस टू फेस वे। मतलब मिसाल के तौर पे सिमरा है, मिशाइल है, लाइबा है, मुबशरा है, मैं इनको कहती हूँ कि अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड मुझे आके ब्रीफिंग दे, तो वन टू वन डिस्कशन होती है, फेस टू फेस डिस्कशन होती है। टीम का कोई भी पार्ट आके लीडर को दे सकता है जो कि उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। एनी ब्रीफिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट द राइट एटमोसफेयर। उससे क्या होता है, मुझे पता होगा कि एटमोसफेयर कैसा चल रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा,
टीम वर्क को प्रमोट किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, गेट टू नो एनकरेज एंड मोटिवेट ईच इंडिविजुअल, कम्युनिकेटिंग या स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज ए क्रूशियल टू गेट राइट इन एनी ब्रीफिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी स्पीकिंग और लिसनिंग थोड़ा सा क्रूशियल होता है। हम लोग बहुत जल्दी उठा देते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते, लेकिन एक अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर होता है। ठीक है, द इफेक्टिव स्पीकिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द सक्सेसफुल ब्रीफिंग। अफेक्टिव स्पीकिंग इसीलिए है अगर सक्सेसफुल ब्रीफिंग होती है, प्रिपेयर्ड, क्लियर, सिंपल, विविड एंड नेचुरल, नेचुरल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द सिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मतलब कितनी हम्बलनेस है। द फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। द फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, वट इज़ योर ओपिनियन। द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, इफ यू प्लीज। द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, थैंक यू। द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, वी। द लास्ट मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट वर्ड, आई। यानी कि आई से क्या मुराद है, मैं। ये नहीं आपने करना, डाउन टू अर्थ रहना है। आई कंट्रोलिंग से फिर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसको यहीं तक रहने दें और अभी के लिए मुझे अटेंडेंस मार्क करवाएं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। बच्चों का भी लग रहा है।